गत 2 सप्ताह पहले नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल के पुजारी के साथ मारपीट और विधायक शंकर सिंह रावत सहित अन्य के खिलाफ दर्ज हुए मामले को लेकर अब विधायक खुलकर सामने आ गए हैं। भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने पुजारी से मारपीट मामले में आरोपों का खंडन कर खुद पुजारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधायक ने पुजारी को भगवे के रूप में शैतान का दर्जा देकर उसके काले करतूतों की परतें खोलकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यावर भाजपा विधायक ने पूरे राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा कि नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल पर आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से सूरजनाथ को पुजारी के रूप में रखा गया। स्वयं को रिटायर्ड फौजी बताने और पेंशन से मंदिर का विकास करने सहित वर्तमान में पूजा आराधना करने की बातों के चलते ग्रामीणों ने पुजारी से स्टाम्प पर रजामंदी के साथ मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समय के साथ संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने तथा तीर्थ स्थल के समीप नशीले कारोबार की गतिविधियां बढ़ने के चलते पुजारी को हटाने का निर्णय लिया गया। यहां तक कि रजामंदी से ग्रामीणों के सहयोग से पुजारी को ससम्मान विदा भी किया गया, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के चलते पुजारी की ओर से 3 दिन के बाद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। विधायक ने पुजारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुजारी भगवे के रूप में शैतान है और उसका वास्तविक नाम भी शैतान है। सूरजनाथ के रूप में पुजारी बनकर रह रहे ढोंगी पर पॉक्सो एक्ट जैसे कई मामले दर्ज है और वह जेल की हवा भी खा चुका है। विधायक ने पुजारी पर गांजे की तस्करी का भी आरोप लगाया। उधर विधायक के साथ ग्रामीण मौजूद कैप्टन जुंझार सिंह ने मंदिर के इतिहास की परतों को खोदते हुए मंदिर में प्राचीन शिवलिंग को 85 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंदिर में स्थापित प्राचीन शिवलिंग को 2003 में साजिश के चलते तमिलनाडु में 85 करोड़ में बेचा गया और दूसरे शिवलिंग की स्थापना तीर्थ स्थल पर की गई। मौके पर मौजूद ग्रामीण राजू सिंह ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से ही नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल की देखरेख की जाती है। ऐसे में आसपास का वातावरण बिगड़ने के चलते पुजारी को हटाने का निर्णय लिया गया। विधायक ने इस दौरान कहा कि तीर्थ स्थल के समीप अवैध रूप से झूले लगवाने के मामले में भी पार्टनरशिप की बात सामने आई। राजेंद्र चारण नामक व्यक्ति के साथ मिलीभगत होने और अवैध रूप से संचालन के चलते प्रशासन को शिकायत दी गई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा अवैध संचालन पर आसपास लगे झूलों को हटवाया गया। पुजारी द्वारा झूले लगवाने में सहभागिता के आरोपों को नकारने के बाद विधायक ने नींव मुहूर्त में उसके मौजूद होने के सबूत सामने रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था के केंद्र पर लगातार अवांछनीय गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके अलावा पुजारी के रूप में कार्य कर रहे सूरतनाथ और फिर शैतान की भी कई करतूतें सामने आ गई थी, जिसके चलते रजामंदी से उसे हटाया गया। लेकिन मामले में विधायक की एंट्री का अंदेशा होने पर कुछ राजनीतिक लोगों ने इसका फायदा उठाने के उद्देश्य से ये विधायक को बदनाम करने की साजिश रची और पुजारी को साथ लेकर भाजपा के आला पदाधिकारियों के पास न्याय की गुहार के नाम पर षड्यंत्र रचा गया। विधायक ने भगवे के रूप में शैतान बनकर रह रहे सूरजनाथ की वास्तविक जांच कर हकीकत सामने लाने की प्रशासन से मांग की है और जनता से इस राजनीतिक षड्यंत्र को पहचानने की अपील की है। देखिए साहब, शंकर सिंह ने महाराज को कभी गाली नहीं दी। अगर कोई सिद्ध कर देवे कि शंकर सिंह महाराज को गाली दे रहा है तो मैं आपको वहां जिंदा नहीं मिलूंगा। इससे ज्यादा मैं कोई आपको विश्वास नहीं दिला सकता। हमारे 5 गांव तो हाजिर हैं, लेकिन 5 गांव में से कोई एक बच्चा भी खड़ा हो कह देवे कि साहब ये शंकर सिंह ने महाराज को गाली दी नहीं। कि भाई इस झूले को हटा दिया जाएगा, ये सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, क्या जरूरत पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी था कि झूले को हटाने के लिए गांव के 5 गांव के लोगों ने जाकर के और कलेक्टर पाली को रिपोर्ट दी कि साहब ये अतिक्रमण हो रखा है और वहां पर अवैध गतिविधियां हो रही है, इसलिए तुरंत इसके ऊपर यहाँ से हटाया जाना चाहिए। धार्मिक स्थान के ऊपर हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। कलेक्टर ने तुरंत कार्य लिया, हाथ में लिया और एसडीएम को और बोल करके इस झूले को हटवाया, पूरे को उतरवा करके पूरे को हटा दिया गया था। आप लोगों को ये पेश वार्ता के लिए बुलाया है कि जिस प्रकार का ये ब्यावर में नीलकंठ महादेव का जो प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।
इसमें इसको पूरी तरह से राजनीतिक रूप दिया गया। शंकर सिंह रावत को कैसे बदनाम किया जाए, उसका षड्यंत्र रचा गया, उसका एक पूरा प्लान बना करके ये ग्रोह बनाया। बनाने वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो भी बैठे होंगे फ्री, तो कुछ उनको भी काम मिला।